आज वो स्थिति आ गई है कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने के करार पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनको या तो दबा दिया जाता है या जिनकी आवाज उठ नहीं पाती। आज किसान सड़कों पर है, दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान सड़कों पर है, किसान अपनी आवाज उठा रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मुखर होकर सामने आई है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसकी आवाज़ ना तो कोई उठा रहा है, ना तो उनकी बात हो रही है, ना ही किसी चाय की दुकान पर उसका जिक्र हो रहा है, ना ही किसी मकान में उनका जिक्र हो रहा है। अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स तक उनकी बात कोई नहीं कर रहा। एक ऐसी इंडस्ट्री की आज हम बात करने वाले हैं जहाँ पर वहाँ के ओनर से लेकर वहाँ का कर्मचारी तक परेशानियों से चौतरफा घिरा हुआ है। वहाँ पर उस इंडस्ट्री में बागों में बाहर नहीं है, बल्कि उस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ बागों में सूना पड़ा है, और बागों में इस कदर वहाँ पर सूना है कि उस बाग में दाग लग गया है, और उस बाग में दाग लगने के चलते जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं, जिस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं, उस बाग की बात करने के लिए, उस स्टील इंडस्ट्री की बात करने के लिए कि जिस स्टील इंडस्ट्री में सूना पड़ा है, उस स्टील इंडस्ट्री की बात करने का फैसला किया है आज आवास की टीम ने। भारत में स्टील की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। इसकी मार सरकारी प्रोजेक्ट्स, कई अहम सेक्टर से लेकर बाकी उपभोक्ताओं तक पड़ सकती है। मुद्दा इतना गंभीर है कि केंद्रीय मंत्री तक इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख चुके हैं, मगर अभी भी स्थिति संभलती हुई नहीं दिख रही। कितनी बढ़ी कीमतें, क्या होगा असर? स्टील की कीमतें बढ़ने से किस किस इंडस्ट्री में किन किन चीज़ों पर इसका असर देखने को मिलेगा, यह हम ग्राफिक्स के लिहाज से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी इसका असर पड़ेगा कि जिन सरकारी प्रोजेक्ट्स पर स्टील का इस्तेमाल निर्भर करता है। इसके साथ ही यात्री वाहनों, कमर्शियल वाहनों और खेती से जुड़े तमाम उपकरणों पर 1-4% तक की बढ़त देखी जा सकती है उनके दामों में। इसके साथ ही टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के दाम में भी 10% तक बढ़त देखी जा सकती है। ऐसे में फ्लैट स्टील के कंज्यूमर जैसे कि ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स पहले ही अपने उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच इन मैन्युफैक्चरर्स पर काफ़ी दबाव भी है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच मार्केट में डिमांड हाल में ही लौटनी शुरू हुई है, लेकिन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने से उस पर फिर से असर हो सकता है। यहाँ बात करें हम हॉट रोल्ड कॉइल की, तो हॉट रोल्ड कॉइल यानी HRC की कीमत बढ़कर अपने सबसे ऊंचे स्तर औसतन 58,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है। इसके साथ ही हम एक और जानकारी आपको दे दें कि जुलाई 2020 में यह कीमत करीब 37,400 रुपये प्रति टन हुआ करती थी। इंडस्ट्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने की शिकायत। स्टील की खपत पर निर्भर सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडस्ट्री, बॉडी, लघु और मध्यम उद्योग और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्टील की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर चुके हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री गडकरी ने दिसंबर में स्टील मैन्युफैक्चरर्स को मुनाफाखोरी के लेकर सचेत किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 6 महीनों में स्टील की कीमतों में 55% की बढ़ोतरी हुई है। मैंने प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को इस बारे में फैसला करने के लिए लिखा है। गडकरी ने कहा था कि स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कई प्रोजेक्ट्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर कंपनियां इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रहीं तो सरकार को नीतियों में बदलाव करना होगा और प्रोजेक्ट्स में बाकी विकल्पों का बढ़ावा देना होगा। क्यों बढ़ी कीमतें, स्टील कंपनियों का क्या कहना है? अंतर्राष्ट्रीय पहलू की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से जापान और साउथ कोरिया जैसे स्टील का निर्यात करने वाले देशों में इसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन बिगड़ गया है। दूसरा पहलू घरेलू स्टील कंपनियों से जुड़ा है, जिसे लेकर उन्होंने अपनी दलील दी है। इन तमाम पैकेज नुमा चीज़ों को समझने के बाद, इन तमाम चीज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद, आवाज़ की टीम ने फैसला लिया कि वो इन चीज़ों पर ज़मीनी जाँच करेगी। वो इन चीज़ों को समझने के लिए उस जगह पर पहुंचेगी जहां से ये पूरा कारोबार चलता है। इसके बाद हम और हमारी पूरी टीम पहुंच गई ग्रेटर नोएडा की उन फैक्ट्रियों में जहां पर ये पूरा कारोबार चलता है, जहां पर स्टील का काम किया जाता है।
हमने वहां पहुंचकर सबसे पहले उन लोगों से बात की जो वहां के मालिक थे, उन लोगों से बात की जो वहां पर प्रोडक्शन को देख रहे थे, और साथ ही साथ उन लोगों से भी बात की जो वहां पर काम कर रहे थे। उन लोगों से बात करके हम लोगों ने फैसला किया कि उस रिपोर्ट को भी हम जरूर दिखाएंगे जो हमने खुद जमीनी तौर पर इकट्ठा की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक प्रोग्राम करते हैं आवाज, उसमें हम लोगों की बात करते हैं। जिस तरीके से स्टील के जो प्राइसेस बढ़े हैं जी, 45-50% जो लास्ट जो 6 months में बढ़े हैं जी, उस पर कैसी परेशानियां लोगों को देखने को मिली? क्योंकि हम तमाम रिपोर्ट्स जो पढ़ते हैं, तमाम जगह लिखा है, हेडलाइंस है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई जगह स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत उनको झटका लगा, इकोनॉमी को भी ये झटका है। तो ऐसे में सर किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? ओनर लेवल से सबसे डाउन लेवल की बात करूँ तो किस तरीके की परेशानियाँ आई हैं सर? आज हम अपने इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि हम प्री इंजीनियर बिल्डिंग की इंडस्ट्री में डील करते हैं और हमारा 100% स्टील से रिलेटेड वर्क है। हमारे जैसे और लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारा काम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्टील पर आधारित है। आज वो स्थिति आ गई है कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। हम जब सामने वाली पार्टी से इंडस्ट्री का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो 8-10% का ग्रॉस मार्जिन रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो वर्क का लेवल क्या है। आज जब वहाँ से हमने ऑर्डर उठा लिए, कोई भी पीवी का ऑर्डर 2-3 महीने 4 महीने से पहले एग्जीक्यूट नहीं होता, फिनिश नहीं होता। अब जब फिनिश नहीं होता है तो इतने पीरियड में अगर 40-45% रेट बढ़ जाएंगे तो 35% जेब से कौन सर्वाइव कर सकता है? आज हमारी इंडस्ट्री की वो स्थिति है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे जैसे और जो अन्य जो लोग हैं, ना तो वर्कर्स की सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही स्टाफ की सैलरी दे पा रहे हैं। एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि और कुछ दिन ये चलता रहेगा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। आज सरकार को ये चाहिए कि इस पर जो चल रहा है, ये सारा जो कंपनियों ने एक मोनोपोली बना ली है, स्टील उत्पाद करने वाली कंपनियों ने, इसको ज़रा मॉनिटरिंग करें, एक रेट के स्टेबल करें कि जिससे कि उद्योग हमारे बचे रहे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने वर्ड का जिक्र किया, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कहीं पर किया होगा आपके और क्लाइंट के बीच में जी। अब यहाँ पर जब आगे जब प्राइस हाइक हो गया है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी देखने को मिलती होंगी जी, तो इसको कैसे डील करते हैं? किस तरीके का रिलेशन पे आपके इफेक्ट पड़ता है? साहब, रिलेशन की बात करेंगे तो आज प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे जैसा है वो कोर्ट कचहरी हर रोज मेल विवाद शुरू है। क्लाइंट कहता है कि साहब हमें सप्लाई दीजिए, हम सप्लाई दे कैसे पाए? 35-40% का जो आपका उछाल है मार्केट में, इसको कैसे कवर पर कर पाए? तो इसलिए जो बहुत अति आवश्यक है वो व्यक्ति तो अपने हमारे साथ में बैठ करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ रेट उन्होंने बढ़ाए हैं, उनको तो हम दे पा रहे हैं। जो जिस व्यक्ति को आवश्यकता ज़्यादा नहीं है और उसने बिल्डिंग बनानी है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, चलो 2 महीने बाद ही बना लेगा, वो व्यक्ति लड़ रहा है हमारे साथ, कह रहा साहब हमारा माल दे दीजिए, लेकिन हम माल नहीं दे पाते उनको, हम उनकी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे क्योंकि इतना हम घर से नहीं दे पाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी जी। जैसा कि सर प्रधानमंत्री का जब नोटबंदी हुआ था तब ऐसे टाइम पर व्यापारी वर्ग ने उसका स्वागत किया, लिहाजा सी बात है कि आपने भी स्वागत किया होगा। जीएसटी पर भी आप उनके साथ खड़े रहते हैं जी। ऐसे मौके पर जब ये क्राइसिस से गुजर रही है, आपकी इंडस्ट्री क्राइसिस में, तो उद्योग जो उद्योग चलाते हैं उनकी मदद के लिए सरकार कहीं से सामने आ रही है, जैसे फार्मर्स के लिए सब्सिडाइज करती है, बाकी गरीब लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम्स चलाती है, तो आप लोगों के लिए किस तरीके से मदद की जा रही है या फिर क्या है? देखो, हम हमारे देश में उद्योग को हमने तीन प्रकार से बांटा हुआ है। एक तो हमारा जिसमें हम हैं वो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई माइक्रो और जो लार्ज इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है। अब एमएसएमई में जो हमारे जैसे लोग एमएसएमई का जो काम कर रहे हैं एमएसएमई में, इनका कोई माई बाप आज की डेट में नहीं है। हमारा एक मंत्रालय भी है, मंत्री भी है, वो मंत्री क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स का कोई भी आज तक, मैं पिछले 15 साल से उद्योग चलाता हूँ, आपका जो समय है 15 साल में वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। और मैं तो ये विनम्र निवेदन करूँगा सरकार से, जो हमारे मंत्री हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए और हमें देखें कि हम किस कगार पर खड़े हो गए। हमने जब सरकार ने नोट बदली का प्रोग्राम किया, हम सरकार के साथ खड़े थे क्योंकि
व्यापारी ईमानदार है, उद्योग चलाने वाला ईमानदार है। हम जो एमएसएमई के लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा कभी जीवन में कहीं बेईमानी करके, ना वो बेईमानी करते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने वाली हमारी एमएसएमई है। जब उन्होंने नोटबंदी का प्रोग्राम किया तो हमने स्वागत किया, वो जीएसटी लाए तो हम बहुत खुश हो गए। मेरे जैसे व्यक्ति जीएसटी से पहले जिनका टर्नओवर 5 करोड़ होता था, मेरे जैसे व्यक्ति ने उस टर्नओवर को बढ़ा दिया, मैं बहुत खुश हुआ। लोग कहते थे अरे साहब आप, मैंने कहा साहब मैं तो पहले भी एक सारा बिलिंग से चलता था, मेरा आज भी बिलिंग से चल रहा है, तो मुझे तो कोई इफेक्ट आया नहीं और मैं तो खुश और हुआ जीएसटी आने पर। लेकिन आज जो समय है वो सरकार को हमारे साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर खड़ी नहीं हुई सरकार और सरकार ने अगर इसके बारे में नहीं सोचा तो हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही सबसे गौर करने वाली बात ये है कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अपने उद्योग में काम कर रहे लोगों के साथ संवेदना रखें और उनको नौकरी से ना निकालें, उनकी हर संभव मदद करें। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। ऐसे में जिस इंडस्ट्री ने इस चीज को सबसे ज्यादा लागू किया वो थी स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को निकाला नहीं गया। स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के पास काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के मालिकों ने उनको अपने यहाँ रखा, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नौकरी से निकाला भी नहीं और उनकी हर संभव मदद भी की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान में रखते हुए जब ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मानी थी तो आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों की आवाज़ सुनते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद करते हैं? क्योंकि जब वो आज परेशानी में हैं तो वो टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं। तो इस पहली फैक्ट्री से निकलने के बाद हमने फैसला किया कि हम दूसरी फैक्ट्री की ओर चलेंगे और इसमें हमारी मदद की पहली फैक्ट्री जिसमें हम मौजूद हैं उसके एक काबिल कर्मचारी ने। वो हमें अपनी दूसरी फैक्ट्री में ले गया जहां पर स्टील की प्लेटों के अलावा स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। हमने वहां पर जाकर स्ट्रक्चर बना रहे प्रोडक्शन हेड, वहां का जो पूरा प्रोडक्शन का काम संभाल रहे थे, उनसे बात की और तमाम चीज़ों को समझने और जानकारियाँ इकट्ठा करने का काम किया। वहाँ से निकलने के बाद हम एक दूसरी स्टील फैक्ट्री पर आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं जो मुझे बताएंगे और बेहतर ढंग से कि क्या परेशानियाँ आई हैं जिस तरीके से जो प्राइस हाइक हुए हैं। अरविंद जी ये बताइए कि जिस तरीके से जो प्राइस हाइक हुए हैं, चलते चलते बात कर लेते हैं, जिस तरीके से जो प्राइस हाइक हुए हैं उससे क्या समस्याएँ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्शन का पूरा काम संभालते हैं तो आप बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो ये आई है ना, सभी कंज्यूमेबल आइटम बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि केवल ही स्टील का प्राइस इंक्रीज हुआ है, कंज्यूमेबल नहीं हुआ है। लेकिन कंज्यूमेबल भी हुआ है, 10 से 15 रुपये का रेट बढ़ चुका है, उसमें सारी कॉस्ट इंपैक्ट करती है और जो कॉस्ट इंपैक्ट हो रही है उससे लॉस ही लॉस हो रहा है, बहुत बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, जिस तरीके से ये जो आप पूरा लॉस की बात कर रहे हैं इससे, क्योंकि आप यहाँ फैक्ट्री के अंदर पूरा काम देखते हैं, प्रोडक्शन का सारा काम आप देख रहे हैं, आप लेबर से काम करा रहे हैं, इससे जो बड़े जो उद्योग लोग हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, जो मालिक लोग हैं, उनको तो घाटा है ही, उनको तो परेशानियां हैं। लेकिन आप क्योंकि लेबर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, आप लेबरों में क्या परेशानी देखने को मिल रही है? प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि हमारा बाहर का काम नहीं है, अपना खुद का काम है, ये अपने खुद का प्लांट है ये। तो हाँ जी, जो जो भी प्रॉब्लम है हमें ही फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई बड़ा कारोबार ये तो है नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब धंधा डाउन चल रहा हो, जब धंधे में इकोनॉमिक जो है वो सही ना चल रहा हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी हायरार्की हर किसी को इफेक्ट करती है, हर कोई प्रभावित होता है। तो इससे आप भी प्रभावित होते हैं, लेबर क्लास भी प्रभावित होती है, बड़े लोग भी प्रभावित होते हैं, इसके पीछे आप कारण क्या वजह समझते हैं? कारण क्या है, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 5-10% बढ़ जाना वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो 30% से ऊपर है, बस 30 से 50% तक जा रहा है। 38 स्टील का रेट था और आज 60 प्लस जा रहा है। क्योंकि आप ऐसा है, कंज्यूमेबल भी प्लस जा रहा है, कंज्यूमेबल भी अप्रोक्स 25% बढ़ चुका है। क्योंकि
आप यहाँ पर प्रोडक्शन का भी काम देख रहे हैं सब, और इस बीच ऐसा है कि जैसे क्लाइंट है, आपको तो पता होगा क्लाइंट आप बात होती है, तो क्लाइंट से आप जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं आप, जिसमें पहले से बात हो चुकी है, अब उनको जो चीज़ पहुँचाना वो कितना मुश्किल आ रही है उसमें? उसमें तो मुश्किल आएगी बॉस, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, जो भी प्राइस पर ले रखा था, वो तो देना देना है, क्योंकि एडवांस आ चुका है। अब वो क्लाइंट से भी रिलेशन पर भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, जब हम उन्हें मेटेरियल टाइम से नहीं पहुँचा पाएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका हल कैसे है, क्योंकि आप लोगों की कोई बात ही नहीं करता है, मेन डोमेन में हर किसी की बात हो रही है, हर किसी की बात होती है, गरीबों की बात हो रही है, हर किसी की, लेकिन ये स्टील इंडस्ट्री है जो इतना प्रभावित है हर चीज़ से, प्राइस हाइक को लेकर, और ये बीते 6 महीने से इसी तरह से हो रहा है, इस पर बात नहीं हो पाती, इस पर किस तरीके से बात होनी चाहिए जिससे आप भी फ़ायदा मिल सके? इस पर बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए इतना, या अपना सब्सिडी वगैरह दे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इस पे इंटरवीन करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन, गवर्नमेंट करेगी तभी तो कुछ फ़ायदा हमें मिलेगा। अभी तक कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगा हो जिसमें इंटरवीन किया हो? नहीं, नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपने मिनिस्टर नितिन गडकरी का भी नाम लिया, वो ऐसे में ही नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कंज्यूमेबल पर नहीं बढ़ा है, केवल स्टील उद्योग पर बढ़ा है, स्टील में कहाँ आ रहा है, सभी में तो है, ये कंज्यूमेबल पर सबसे ज़्यादा है, कंज्यूमेबल पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता ना इस चीज़ का, वो नॉर्मल हमें पता है में हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो रॉ मटेरियल की कुछ डिमांड एंड सप्लाई में कुछ, यहाँ पर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके डिमांड एंड सप्लाई में भी कुछ असर देख? बिल्कुल, सप्लाई में भी फ़र्क पड़ा है, सप्लाई में भी 50% का फ़र्क पड़ा है, इस समय कोई भी काम कराने के लिए तैयार ही नहीं है। आने वाले फ्यूचर में देखते हैं आपकी कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं या फिर गवर्नमेंट जब इंटरव्यू? आने वाले फ्यूचर में शायद सही होंगी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम अप्रोक्स इसी वीक में 2 रुपये रेट डाउन हुआ है, अभी रेट डाउन हुआ है जल्दी में। कोरोना के समय पर फैक्ट्री बंद रही होगी, कोरोना के समय में? हमारी स्टार्टिंग ही कोरोना के टाइम में हुई है। स्टार्टिंग कोरोना के टाइम में हुई है, ठीक है। कोरोना के बाद फिर इस तरीके की जो चीज़ है, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मनोबल कम होता है इससे? नहीं, कोरोना से कोई मनोबल पूरा है, कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे। तो ये अरविंद जी मेरे साथ मौजूद थे, अरविंद ने हमको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोग भी परेशान हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने के लिए एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं और वहाँ से ज़रूरी मालूमात इकट्ठे करके बता रहे हैं आपको, वो आवाज़ उठा रहे हैं, उस चीज़ की आवाज़ बन रहे हैं कि आप तक वो बात पहुँचे कि एक तबका ऐसा भी है जो सच में परेशान है, एक तबका ऐसा भी है जो सच में बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी तमाम चीज़ों को लेकर, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई प्रभावित है, इन पर भी आवाज़ होनी चाहिए। यहीं पर ना रुकते हुए हम एक और कंपनी की ओर बढ़ गए, एक और फैक्ट्री की ओर बढ़ गए। उस फैक्ट्री में जाकर हमने वहां पर मौजूद वहां के ओनर भाटी जी से भी बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनके काम में कितना बड़ा असर देखने को मिला है। उनसे बात करने के बाद हम चीज़ों को बहुत गहराई से और बहुत स्पष्टता से समझ सके। लगातार जारी पड़ताल के बीच एक फैक्ट्री बाद दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, हम एक और फैक्ट्री पहुँचे, यहाँ पर हमारे साथ भाटी जी मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो तमाम जो परेशानियां आई हैं स्टील की, जो रॉ मटेरियल के जो प्राइजेज़ हैं उनको बढ़ जाने के बाद क्या परेशानी आ रही है। ये यहाँ इस प्लांट के ये जो हैं ओनर हैं, भाटी जी ये बताइए कि स्टील के जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस बढ़े हैं उस वजह से आपको किस तरीके की परेशानियां देखने को मिल रही हैं? सर बहुत तरह की परेशानियाँ, पहले करीब मेरे पास 250 से 300 टन पर मंथ का काम था और इस टाइम पर मुश्किल से मुश्किल 25-30 लेबर है, मैं इनके लिए सोचता हूँ कि कम से कम इनको घर खर्च के लिए इनका काम चलता रहे, कि उस लायक काम भी आता रहा है, तो वो भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है कि 50 टन भी काम मैं महीने का निकाल पा रहा हूँ। देखिए बेरोजगारी पर बात होती है, फार्मर्स की बात होती है, गरीबों की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के जो तमाम लोग हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सब हर कोई परेशान है, लेकिन इनकी बात कहीं नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, क्योंकि इतनी हमने भी 20 साल हो गए इस लाइन में, कभी भी इतना बूम अब देखा ही नहीं, और एकदम से 2 महीने के अंदर स्टील इतनी अप हो गई और कोई सरकार भी इसके ऊपर कुछ नहीं कदम उठा रही है, क्या ब्लैक हो रहा है या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से लोहे की डिमांड इतने मार्केट में रेट अप हो क्यों गए, समझ 5% 10% जो है भाटी जी वो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि अचानक से 30-35-40-45% तक चीज़ें अचानक से बढ़ जाना, ये कैसे है? ये तो सीधा हम जहाँ तक ये समझ रहे हैं कि कोई ना कोई है जो मार्केट में या तो ब्लैक, यही चांस है, और तो कोई चांस है नहीं, कि प्रोजेक्ट जो पहले थे इंफ्रास्ट्रक्चर के वही प्रोजेक्ट है,
कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट ऐसा अभी आया नहीं कि इतनी खपत बढ़ गई हो या एक्सपोर्ट हो रहा हो, कहीं भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है। तो सीधा सीधा बाजार में ब्लैक जो है वो कहीं ना कहीं झोलम झोल लग रहा है। 6 महीने पहले तो आपको ये जानकारी थी नहीं कि इस तरीके से जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाएंगे, तो कहीं का आपने ऐसा नहीं है कि पहले से कोई काम नहीं रखा हो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ उस तरीके का? नहीं, पहले से कोई अनुमान ही नहीं था इस तरीके का कि कभी भी कि इतना जंप हुआ ही नहीं, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये, लेकिन 18-20 रुपये की तेज़ी और एकदम हर हफ्ते 2 रुपये 4 रुपये बढ़ जाना, और कोई आदमी सोच ही नहीं पाया इस बात का हल क्या है कैसे। क्योंकि ये देखिए, आप परेशान हैं, आपके जो लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी परेशान होंगे, हर किसी के घर तक ये बात पहुँचती है, परेशानियाँ पहुँचती हैं, इसका हल कैसे, आप क्या मांग डिमांड करते हैं कि सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप पर भी सुविधा रहे? बस मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितनी भी ये अपनी मेरे हिसाब से 4 ही कंपनी है, JPL है, JSW है, टाटा है, सेल है, इनकी मनमानी चल रही है और इनको कहीं ना कहीं सरकार को इन्वॉल्वमेंट करके इसमें कुछ ना कुछ उद्योगों के लिए कम से कम चलाने के लिए इनको सरकार को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा कि वो इस पर अपनी मन मुताबिक जो है रेट ना करके लिमिट्स है जो कि इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट है वो चल पाए उसमें। धन्यवाद। मोनोपोली की बात जो हम तमाम बार कह रहे थे, बार बार कर रहे थे, वही मोनोपोली की बात, 4 बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट को जो संभालते हैं उन्हीं प्लेयर्स की बात की जा रही है, वही प्लेयर्स जो हैं उन्हीं की वजह से प्राइस अप डाउन हर चीज़ हो रही है। गवर्नमेंट की इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, रेगुलेटरी बॉडी के ना निकल कर सामने आने की वजह से मनमाना रवैया हो गया है। 4 बड़े लोग हैं, 4 बड़े उद्योगपति हैं, वो स्टील फैक्ट्री में अपने मनमाने ढंग से उस इंडस्ट्री को पूरा एक तरीके से उस इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा किए हुए हैं, उस इंडस्ट्री को काबू किए हुए हैं। इस वजह से जो MSME के जो छोटे और मझौले जो व्यापारी हैं, जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनको तमाम तरीके की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक माने लेबर क्लास तक, वहाँ तक हर कोई परेशान हो रहा है, उनके घर तक परेशानियाँ पहुँच रही हैं। एक स्टील और लोहे के प्लांट से निकलने वाला एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके TV और फ्रिज में जाकर लगता है, जिससे वहाँ पर रेट जो है वो तय होते हैं, जो रेट जो है वो अप डाउन होते हैं। ये तमाम आंकड़े स्टील इंडस्ट्री और वहाँ से जुड़ी तमाम चीज़ों के सूरत हाल बयां करते हैं। ये तमाम आंकड़े जो ऊपर से नीचे जाते जो कर्व हैं वो आपको दिखाते हैं कि एक इंसान जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके जीवन जीने का तरीका, उसके जीवन जीने की परेशानियों का लहजा इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। ऊपर जाती लाइनें आपको बताती हैं कि परेशानियां किस कदर ऊपर जा रही हैं, किस कदर बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम तस्वीरों को आपने देखा, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि इनका आखिर कसूर क्या है, इस इंडस्ट्री का क्या कसूर है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि सरकार आखिर इनकी आवाज़ सुनने में इतना समय क्यों लगा रही है, इतना वक्त क्यों ज़ाया कर रही है, आखिर इनके बागों में बहार कब आएगी, कब बहार लौटेगी।